रीवा के एपीएस यूनिवर्सिटी में 6 दिसंबर को होगा 9वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल 64 छात्रों को देगी गोल्ड मेडल और देंगे 80 डिग्रियां। नमस्कार, मैं हूं सीएम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अब तेज प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे 9वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, 4 और 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फूल पौधों की कटाई छटाई से लेकर परिसर में गले बगीचे की साफ सफाई का पूर्ण कार्य लिया गया है। बताया गया कि भारतीय शिक्षण मंडल की अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल करेटकर मुख्य वक्ता व मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य होंगे। आपको बता दें, एपीएस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि दीक्षांत समारोह के लिए 86 छात्रों ने आवेदन किया था। ऐसे में 80 फॉर्म सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 80 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, जबकि पीएचडी एमफिल और पीजी के 64 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा, जिसमें 25 गोल्ड मेडल राज्यपाल खुद अपने हाथों से सौंपेंगे। दीक्षांत समारोह में जिन विद्यार्थियों को मेडल दिए जाएंगे, उन्हें प्रशिक्षित करने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से लिया गया था। ऐसे में 4 और 5 दिसंबर को 2 दिवसीय रिहर्सल कार्यक्रम आयोजित हुआ है। रिहर्सल समिति के संयोजक और सदस्यों की ओर से इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से एक निश्चित परिधान अनिवार्य किया गया है। यह परिधान पूरी तरह से देसी संस्कृति पर आधारित है। सिर में पगड़ी और कुर्ता पजामा परिधान समिति की ओर से चिन्हित किया गया है। दीक्षांत समारोह के लिए जिन विद्यार्थियों का पंजीयन हो चुका है, सत्यापन के बाद उन्हें पात्र पाया गया है, ऐसे विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जाना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में आयोजित होगा। सभागार में एक निश्चित स्थान का भी चयन किया गया है। इनके लिए चयनित स्थान में अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है। गोल्ड मेडल लेते समय उन्हें निश्चित नियमों का पालन करते हुए मंच में प्रवेश करना होगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।